हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज देखिए फ्रेंड्स, मैं आप लोग के लिए बहुत ही खूबसूरत ये उलन सॉक्स लेकर आई हूँ। देखिए बहुत ही प्यारा लग रहा है फ्रेंड्स, ये देखने में जितनी खूबसूरत है फ्रेंड्स, बनाने में उतना ही इजी है। बहुत ही प्यारा ये, और बहुत इजी भी है ये डिज़ाइन बनाना फ्रेंड्स। ये देखिए, मैंने इसको दो कलर का बनाया हुआ है, ब्लैक और सी ग्रीन कलर का। आप इसे सिंगल कलर या मल्टी कलर में भी बना सकते हैं। ये देखिए बैक साइड से ऐसे इसके डिज़ाइन, और फ्रंट साइड से ये ऐसे है। बहुत ही इजी है, बहुत जल्दी बनने वाला है फ्रेंड्स। पूरा लुक इसका ऐसे बनकर आता है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसको बनाने के लिए हमने यहाँ पे 48 फंदे लेके 20 सलाइयों की नीटिंग की है, दोनों साइड से सीधा सीधा। दोनों साइड से जब हम सीधा सीधा करेंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमारा गार्टर स्टिच यानी गट्ठी गट्ठी की बुनाई हो जाएगी। तो आप इसे सिंपल ऊन में बनाएंगे तो ये पूरा खुल के आएगा डिजाइन फ्रेंड्स। अब मैं आप लोग को थोड़ा सा समझा दूं, ये मैंने देखिए एक पैर का बना लिया है। अभी इसको स्टिचिंग इसकी नहीं की है, तो आप लोग अच्छे से समझ जाइए। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको भी मैंने 48 फंदे से शुरू किया था। 48 फंदे डालने के बाद हमने यहाँ पे देखिए 10 धारियाँ बनाई हुई है। जैसे ये 10 धारियाँ आप लोग को ऐसे इसमें नहीं समझ में आएगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये 3 प्लाई का ऊल है, तो इसमें डिजाइन अच्छे से खिल के नहीं आ रही थी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 धारी यानी 20 सलाई। तो हम यहाँ पे 10 लाइन हमारी हो गई है। उसके बाद हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, अब देखिए ये पार्ट हमारा इतना बन गया है। ये देखिए हमने ये, अब हमारा यहाँ पे देखिए क्या हुआ है, ये फंदा हमारा यहाँ पे बढ़ा हुआ है। देखिए यहाँ पे हमने फंदे बढ़ाए, तो यहाँ पे हमने कितना फंदा बढ़ाया है वो मैं दिखाती हूँ। एक चीज और आपने केयर करना है, एक साइड आपने इस साइड से फंदे बढ़ाने हैं फ्रेंड्स लेफ्ट, और एक साइड राइट साइड से फंदे बढ़ाने हैं। दोनों एक साइड से आपने फंदे नहीं बढ़ाने हैं, नहीं तो ये दोनों पैर का सेम हो जाएगा। तो इसलिए देखिए ये हमने सीधी साइड में फंदे बढ़ाए थे, और इसमें हम ये उल्टी साइड में आ गए हैं फंदे बढ़ाएंगे, क्योंकि सीधा साइड ये हमारा है। तो यहाँ पे हम 8 फंदे बढ़ाएंगे। 8 फंदे देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 1 लास्ट 8। तो 8 फंदे हमने यहाँ पे इंक्रीज कर लिया, यानी 8 फंदे हमने यहाँ पे बढ़ा लिया। और 48 यानी 48 फंदे से हमने बुनाई शुरू किया था। 48 फंदे डाल के सिंपल हमने, आप ऐसे भी माप सकते हैं, 2 अंगुल की बुनाई करने के बाद, 10 से 15 सलाई की बुनाई करने के बाद हम यहाँ पे 8 फंदे बढ़ा लेंगे। 8 फंदे बढ़ाने के बाद हम यहाँ पे 10 सलाई की बुनाई करेंगे। ये देखिए यहाँ पे सिर्फ 5 लाइन, 1, 2, 3, 4, 5 5 लाइन की हमने ये बुनाई करने के बाद फिर हम डिजाइन बनाएंगे। तो चलिए इसको हम पहले 5 लाइन और बुन लेते हैं। 5 लाइन यानी 10 सलाई, आगे पीछे से मिला के फ्रेंड्स हमने 10 सलाई और नीटिंग करनी है इसके। अब देखिए फ्रेंड्स, हमने इतना बना लिया, और यहाँ पे हमने सी ग्रीन कलर का ऊन लिया हुआ है। इसको अब हम यहाँ पे जोड़ेंगे और हम डिज़ाइन बनाएंगे। जो हमने इस पर डिज़ाइन बनाई है सेम यही डिज़ाइन हमने बनाना है। तो ये डिज़ाइन मैंने बताया हुआ है, चलिए एक बार और आप लोग देख लीजिए फ्रेंड्स। तो इसको डिज़ाइन बनाने के लिए हमने यहाँ पे देखिए सेकंड कलर जोड़ लिया है। तो पहले फंदे को हम ये देखिए ग्रीन कलर से बनाएंगे। आप इस जगह कोई सी भी डिज़ाइन बना सकते हैं। फिर एक फंदे हम उतारेंगे, एक ग्रीन कलर से बनाएंगे, और एक फंदे को हम उतारेंगे, एक बनाएंगे। देखिए एक हमने उतार लिया, एक बनाया, फिर एक उतारा, एक बनाया, सीधा सीधा हम बुन रहे हैं। एक स्लिप करना है, एक नीट करना है, यानी एक उतारना है और एक सीधा बनाना है, बुनना है। ये देखिए, तो ऐसे ही ये पूरी रो हम कंप्लीट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हम बैक साइड आ गए हैं। तो बैक साइड अब हमने ये डिज़ाइन को कैसे बनाना है, जो फंदे हमने उतारे हैं उनको उतारना है। ये देखिए हमने फंदे को उतार लिया, और इस ग्रीन वाले को हम बनाएंगे। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे अब हम देखिए सभी फंदे को हम ग्रीन कलर से ये देखिए सीधा सीधा बनाएंगे। पीछे की साइड से भी हम सभी फंदे को, एक भी फंदे को हमने छोड़ना नहीं है, ब्लैक को भी और ग्रीन कलर वाले फंदे को भी, हम सभी फंदे को
देखिए ये देखिए, हम सभी फंदे को बना लेते हैं। उल्टे साइड से भी हम सीधा सीधा बनाएंगे। बहुत इजी डिज़ाइन है फ्रेंड्स। तो चलिए पूरी रो ऐसे हम कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये डिज़ाइन कुछ ऐसे ही बन के आई है। देखिए फ्रेंड्स, हमने ये यहाँ पे दो डिज़ाइन बना ली है। डिज़ाइन बनाने के बाद जब हम पीछे से पूरी फंदे को हम सीधा सीधा बनाएंगे, और सीधा सीधा बनाने के बाद हमारी डिज़ाइन कुछ ऐसे बन के आएगी। अब हम ब्लैक कलर से फ्रेंड्स क्या करना है, हमने यहाँ पे तीन डिज़ाइन डालनी है। अब हम ब्लैक ऊन से दो सलाई बनाएंगे। एक सलाई हम आगे की साइड से सीधा सीधा बनाएंगे। देखिए डिज़ाइन बनाने के बाद एक सलाई हम सीधा सीधा बनाएंगे पीछे की साइड से उल्टा उल्टा। ये देखिए हम पूरे फंदे को ब्लैक कलर से बनाएंगे। अब ये देखिए, अब पीछे की साइड से सभी फंदे को हम उल्टा उल्टा बनाएंगे। उल्टा उल्टा बनाने के बाद फ्रेंड्स देखिए, हमने फिर से यही डिज़ाइन रिपीट करनी है। सीधे की साइड से एक उतारना है और एक बुनना है, और पीछे की साइड से सभी फंदे हम ग्रीन से बनाएंगे। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स क्या करना है आपने, उसके बाद जितना हमने ये नीचे बुना हुआ है स्टार्टिंग में 10 लाइन, वैसे हमने ये डिज़ाइन बनने के बाद भी 10 लाइन बुनना है। आपने ऐसे काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 लाइन आपने बनाने के बाद फिर हम देखिए यहाँ पे 10 लाइन बनाने के बाद इतना हम बना लेते हैं, फिर आप लोग को ये ऊपर का बताएंगे कि कैसे बनेगा। अब देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे ये 10 धारी बना ली है, यानी 20 सलाई दोनों साइड से मिला के दोनों साइड से हमने सीधा सीधा बनाया। आप चाहें तो दोनों साइड से उल्टा उल्टा बना सकते हैं। बस गट्ठी गट्ठी की डिज़ाइन यानी गार्टर स्टिच हमने बनाना है। उसके बाद अब हम देखिए फ्रेंड्स फंदे को बंद करेंगे। देखिए ये वाला पार्ट हम बना रहे हैं, अभी आपको समझा देते हैं। ये वाला, ये हमने देखिए यहाँ पे इतना फंदा बंद करके और बाकी के फंदे छोड़ के फिर हमने इतना बुनाई किया है। तो अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, इधर से देखिए, जिधर से हमने ये फंदे बढ़ाए हैं इधर से फंदे कम नहीं करना है। फंदे हम इस साइड से कम करेंगे। अगर आपने इधर से कट लगाना था तो फंदे इस साइड से कम होंगे। जैसे देखिए इसमें आप लोग समझ लीजिए, देखिए ये देखिए हमने फंदे इस साइड से बढ़ाया हुआ है तो घटाया है इस साइड से। ये देखिए ऐसे। तो हमने ये यहाँ पे फ्रेंड्स हमने सिर्फ 28 फंदे छोड़ के बाकी के फंदे को हमने बंद करना है। तो सिर्फ 28 फंदे हम छोड़ेंगे और फंदे को हम कैसे देखिए यहाँ पे बंद करेंगे। यहाँ पे दो फंदे का एक करेंगे, ये देखिए 3-4 फंदे हमने कम कर लिए हैं। ये देखिए ऐसे, फिर इस फंदे को इस पे ले जाएंगे, फिर यहाँ पे हम ये दो फंदे का एक कर देंगे। ये फिर देखिए इसको इस पे लाएंगे और यहाँ पे हमने ये दो फंदे को एक साथ बना लिया। फिर ऐसे ही हमने ये बनाना है। ये देखिए इन दोनों फंदे को एक साथ हम बुन देंगे तो हमारे फंदे ये बंद होते चले जाएंगे। दो दो फंदे को एक साथ हम बुन रहे हैं। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे 28 फंदे छोड़ के बाकी के फंदे को हमने बाइंड ऑफ कर लेना है, बंद कर लेना है। देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे सिर्फ 28 फंदे रख दिए हैं और सभी फंदे कम कर लिए हैं। तो अब हमने इसको सीधे से सिंपल बुनाई करते हुए जाना है। सेकंड कलर को हमने यहाँ पे कट कर दिया था पहले ही, क्योंकि ये डिज़ाइन हमारी बन चुकी है। अब देखिए फ्रेंड्स, हमने कितनी बुनाई करनी है ये एक चीज़ मैं बता देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये वाला पार्ट अब हम ऐसे ये फंदे देखिए कम करके एक साइड का, ये देखिए फंदे हमने यहाँ पे कम करके फिर ये 28 फंदे हमने तब तक बनाने हैं। देखिए इसको हम जब ऐसे करेंगे फ्रेंड्स, ये देखिए ऐसे करेंगे तो हमने फंदे तब तक कम अरे बुनाई करना है। आप ऐसे करके माप लीजिएगा। देखिए ये हम ऐसे स्टिचिंग करेंगे वूलन का,
सॉक्स का। ये हम जब ऐसे बुनाई करते हुए इतना आ जाएंगे, ये देखिए ऐसे बुनाई करेंगे, फिर हम ऐसे नापेंगे, ये हमारा पार्ट दोनों ऐसे बराबर आना चाहिए। ये देखिए ऐसे, ये वाला हम ऐसे तब तक बुनेंगे जब तक ये हमारा इतना ना आ जाए। तो चलिए इसको हम इतना बना लेते हैं फ्रेंड्स, फिर आपको इसकी स्टिचिंग करना हम बताएंगे कि इसकी हम सिलाई कैसे करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसकी स्टिचिंग मैंने कर ली है एक सॉक्स की। ये देखिए सिलाई करने पे इसके डिज़ाइन ऐसे बनकर आएगी, तो कितनी खूबसूरत लग रही है फ्रेंड्स, ये देखिए। तो चलिए सेकंड सॉक्स को हम सिलना बताते हैं आप लोगों को। इसके लिए देखिए हमने ब्लैक कलर का नॉर्मल ऊल लिया है फ्रेंड्स, ताकि ये सिलाई करते समय फंसे ना ब्लैक कलर का। और यहाँ पे देखिए हमने ये इसको आपने ऐसे फोल्ड करना है उल्टे की साइड। ये देखिए मैंने आप लोग को बताया था ये आपने कितना नीटिंग करना है। देखिए ये आपने ऐसे, ये जो 28 फंदे हमने बुने थे इसको आप जब फोल्ड करेंगे फ्रेंड्स तो ऐसे नापेंगे, तो ये पूरा यहाँ तक आना चाहिए, उसके बाद हमने ये फंदे को बंद करना है। बिल्कुल सिंपल है। तो अब हमने क्या करना है, देखिए हम इसको एकदम बराबर करेंगे दोनों पार्ट को, और यहीं से हम सिलाई करना शुरू करेंगे। तो नॉर्मल जैसे हम सिलाई करते हैं ऐसे ही आपने सिलाई करनी है सॉक्स की। ये देखिए हम इसकी पूरी सिलाई करते हुए फ्रेंड्स यहाँ तक आते हैं ऐसे, यहाँ से सिलाई करते हुए लास्ट हमने यहाँ तक आना है ऐसे। चलिए हम इसकी सिलाई ऐसे कर लेते हैं इतना। देखिए फ्रेंड्स हमने इसकी सिलाई कर ली है, ये देखिए यहाँ से लेके हमने स्टार्ट किया था यहाँ से, फिर उसके बाद ये पूरी सिलाई करते हुए हम लास्ट यहाँ तक आए हुए हैं। अब इसको हम सीधा करते हैं, बहुत सिंपल है ये सॉक्स, आप इसे किसी भी साइज़ में बना सकते हैं फ्रेंड्स। ये 6 से 7 5 से 6 7 नंबर को ईजली आ जाएगा। ये देखिए ये देखिए 5 से 6 नंबर को आराम से, काफ़ी स्ट्रेचबल होता है फ्रेंड्स ये सॉक्स। देखिए देखिए फ्रेंड्स एक पैर में, ये देखिए ये अलग अलग है, एक इस साइड का डिज़ाइन रहेगा एक इस साइड का, ये देखिए लेफ्ट का है और ये राइट का। तो देखिए कितनी खूबसूरत ये दोनों सॉक्स बनकर आई हैं फ्रेंड्स। तो आप लोग ज़रूर इसे बनाए, इससे आप अपने बच्चों के लिए भी बना सकते हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।